नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप सभी दर्शक देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, सीधी बात और सीधा संवाद। इसी में हम यकीन रखते हैं, लाग लपेट वाली बातें भोली भाली जनता नहीं समझ पाती, खास करके ऐसे समय में जब जन प्रतिनिधि कहलाने वाले सियासतदान अबूझ हरकतें करते देखे जाते हैं। अबूझ हरकतें यानी कि वो किस पार्टी में थे और किस पार्टी में जाएंगे, आजकल भारत में इसका पता ही नहीं चल पाता है। इस बार भारत के लोकसभा चुनाव में अलग ही तरह की सियासत देखने को मिल रही है। चुनाव के वक्त दल बदल आम बातें होती हैं, लेकिन इस बार दल बदल से कई कदम आगे बढ़ते हुए भारत के नेता देखे जा रहे हैं। पर्चा वापस लेने के एन पहले कैंडिडेट पार्टी बदल लेते हैं, यानी कि पर्चा वापस लेते हैं, फिर जो आखिरी समय होता है उससे पहले ही कैंडिडेट पार्टी बदल लेता है। सामने वाली पार्टी भी बाहें फैलाए उनका स्वागत कर रही है, जैसे जनता के मुद्दों के लिए कोई लड़ाई ही नहीं थी, ये तो कैंडिडेट्स के आपसी भाईचारे से ही तय हो जाना चाहिए। ये तो वो किस्सा हो गया जिसे अंबर बहराइची ने कुछ यूं बयान किया है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये सच है रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, ये सच है रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। नेता कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन भोली भाली जनता का क्या, उसके पास अब ऑप्शन के नाम पर क्या बचा है? क्या विपक्ष के बिना चुनाव का कोई मतलब भी बाकी रह जाता है? तो इंदौर में क्या हुआ है, कांग्रेस के उम्मीदवार ने आखिरी वक्त पर अपना पर्चा वापस क्यों ले लिया है और बीजेपी कैसे चले गए हैं वहां, बीजेपी ने उनका बाहें खोलकर कैसे स्वागत भी कर लिया है। कुछ सवाल और भी इसी तरह के हैं जो हम चाहते हैं कि इनको जरूर जनता खुलकर और अपनी आंखें कान खोलकर समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा, किस तरह की पॉलिटिक्स भारत में हो रही है। ये सवाल कुछ इस तरह से आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे कि क्या बीजेपी ने इंदौर में विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है? क्या कांग्रेस इंदौर में लगे झटके की भरपाई भी कर पाएगी? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमजोर बनी हुई है विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था? कांग्रेस के उम्मीदवार का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की किस पॉलिटिक्स को, किस स्ट्रैटेजी को दर्शाता है और बीजेपी की इस सियासत को क्या जनता स्वीकार कर लेगी? इंदौर की जनता जब वोट डालने जाएगी तो वो किस तरह का बर्ताव दिखाएगी? इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरू कर लेते हैं आज का कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की प्रवक्ता हैं चिंतामणि मालवीय जी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदीप अहिरवार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं जस्ट टीवी के इस विशेष कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतामणि जी, मैं इससे पहले कि मैं आपसे समझूं, पहले तो कांग्रेस से समझना जरूरी है कि आखिर आपको खबर नहीं लगी आपके उम्मीदवार ने, जो कि आपने भरोसा जताया इंदौर से, और वो ऐन मौके पर पर्चा वापस ले लेते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस के साथ ये हो क्या रहा है? नेतृत्व परिवर्तन, लेकिन उसका कुछ खास असर, बल्कि मुझे लगता है कि दौर और बुरा शुरू हो रहा है कांग्रेस के लिए। प्रदीप अहिरवार जी, नेहा जी, मामला ऐसा है कि जो हमारे प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके की नरेंद्र मोदी जी को राजनीति पसंद है और जो राजनीति वो इस देश में कर रहा है कि अपने अमीर मित्रों का पैसा और ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स, इनका जिस तरीके से दुरुपयोग बड़े पैमाने से पूरे देश में हो रहा है और हुआ है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूर्ण रूप से अवैध है, इसको बंद किया जाए और उसको अवैध घोषित किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि पूरे आंकड़े उजागर करो, तो एसबीआई कहता कि नहीं, हमें 6 जून का समय चाहिए, 2 महीने का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई और बोला कि हमें 1 हफ्ते के अंदर किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया, किसके पास गया, कौन सी पार्टी को दिया, ये पूरा आंकड़ा आया। और जब आंकड़े को जब लोगों ने खंगाला तो पता चला कि जो देश में जिन कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया था या जिन कंपनियों के बड़े बड़े मालिकों के ऊपर ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डले थे, उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए और काम लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिस बड़े पैमाने पे पैसा दिया, उस पैसे का इस्तेमाल देश की सरकार गिराने में, राज्यों की सरकार गिराने में, और जिस तरीके से प्रत्याशी का विड्रॉल हुआ है इंदौर के अंदर, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम 400 पार
इस बार जीतते जा रहे हैं, तो जब आप 400 पार जीत रहे हैं तो ऐसा हमारे प्रत्याशी को क्यों खरीदा जा रहा है, हमारे प्रत्याशियों पर क्यों दबाव बनाया जा रहा है, ये बताता है कि कहीं कोई 400 पार होने नहीं जा रहा। प्रत्याशी खरीदे गए या दबाव बनाया गया, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है? दोनों चीज हो सकती है, पैसे देके भी बिठा लगाया हो, दबाव बना के बिठा लगाया हो। ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की जो राजनीति है, आज पूरा देश और दुनिया परेशान है कि किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में इस देश की जनता मोदी जी को जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, ऐसा कि हमारे वोट की आजादी, हमारे वोट की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में है। हम वोट देते हैं कांग्रेस पार्टी को, सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन 22 विधायक कमलनाथ जी की सरकार को धोखा देकर, बीजेपी के इशारों पर पैसे लेकर कमलनाथ जी की सरकार गिराते हैं। कर्नाटक में सरकार गिरी, गोवा में सरकार गिरी, बिहार में हम देख रहे हैं, पूरे देश में जिस तरीके का राजनीतिक तांडव भाजपा और मोदी जी मचा रहे हैं, इससे देश के लोकतंत्र को खतरा है। और 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये अंदर से भयभीत है कि अब हम कुछ तो जनता को बताएं, तो ये उसी का एक उदाहरण इंदौर में हुआ है। अक्षय बम निश्चित रूप से उन्हें लालच दिया गया होगा, उन्हें पैसा ऑफर किया गया होगा इसी कारण से, या फिर दबाव बनाया गया होगा, इन कारणों से अपने जमीर को अक्षय बम ने बेचा है और कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, इंदौर की जनता के साथ अक्षय बम ने गद्दारी की है और भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को खत्म करने का आज काम किया है। जी चिंतामणि जी, आप स्वयं प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं उज्जैन से, आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो विपक्ष के उम्मीदवार को एंड नामांकन वापस करने के आखिरी दिन अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है बाहें खोलकर? क्या आत्मविश्वास की कमी, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं क्या वो जीत नहीं रहे थे? सीधे सीधे आरोप और शक तो इसी बात का उठता है, आपके पास क्या जवाब है चिंतामणि जी? दबाव या फिर आपने गलत इस्तेमाल किया कि आपके पास बहुत पैसा है और पैसे का इस्तेमाल किया, खरीद लिया कांग्रेस के उम्मीदवार को? सबसे पहली बात तो यह है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय, पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। चुनाव हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई अभियान आ गया, हमारा कार्यकर्ता पूरे समय सक्रिय रहता है, पूरे समय काम में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है। जी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि चेहरे पे धूल लगी और ये आईना साफ कर रहे हैं, ये ईडी की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। मैं बस बताना चाहूंगा नेहा जी के कामरान प्लान के बाद कांग्रेस ने कभी आत्मलोकन नहीं किया, कभी आत्मपरीक्षण नहीं किया, कोई सांगठनिक सुधार या संगठन पे चर्चा कांग्रेस ने कभी नहीं की, और कांग्रेस सांगठनिक जी तो लगता है चिंतामणि जी की आवाज हम तक नहीं स्पष्ट रूप से पहुंच पा रही है, किसी तकनीकी समस्या उनके साथ पेश आई है। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट टॉक में ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंदौर में जो हुआ है वो सूरत में जो हुआ है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, और उससे पहले जिस तरह से खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उससे भी पहले चंडीगढ़ में जो नगर निगम के चुनाव में हुआ था, इन सभी घटनाओं को, सियासी घटनाक्रमों को आपस में जोड़ा जा रहा है, आखिर क्या वाकई में कोई कनेक्शन है? चिंतामणि मालवीय जी अगर आप सुन पा रहे तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बात पूरी रखें, उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज मेरी आवाज आपका जी मेरी आवाज आ रही है आपका जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए मैडम, कामरान प्लान के बाद कोई सांगठनिक सुधार कांग्रेस में हुआ नहीं है, और यहाँ नीति नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व के प्रति विश्वास नहीं है। आप देखिए कि राहुल गांधी भी किसी को समय नहीं देते, इतने लोगों का जब संदेश आए कि ये छोड़ के जा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, किसी से संवाद तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नहीं हुआ, इनके पास विचारधारा नहीं है, और जो विचारधारा है वो ऐसे है कि आज इस बदलते दौर में वो बहुत पुरानी विचारधारा है। आप देखें कि आपकी क्लास जो है वो कास्ट से उसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा की है कि हम जो है कास्ट सेंक्शन कराएंगे, या जो है दूसरे ओबीसी की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, पुराने सड़े सड़ाए मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। वस्तुतः आज कांग्रेस डाइंग पार्टी हो गई है, और डाइंग पार्टी हो जाने के कारण इसके अंदर कुछ क्षमतावान लोग हैं, उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल नहीं है कि किसी को पैसा देकर या किसी को धमका कर या ऐसे या वैसे किसी को लाने का काम किया। लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए पिछले 2 महीनों में, और किसी एक भी नेता ने यह प्रयास नहीं किया कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहा है।
क्यों जगह जगह सम्मेलन नहीं किए, क्यों जगह जगह बैठके नहीं की, क्यों प्रवास नहीं किया एक स्थान से दूसरे स्थान पर कांग्रेस के नेताओं ने, तो वस्तुतः अंदर से इतनी खोखली हो गई है कांग्रेस, इतनी सड़ गई है कि अब वर्तमान के जो बदलते दौर में चुनाव है उसका वजन सहन नहीं कर सकती। और इसलिए ये मैं कहता हूँ डाइंग पार्टी है, ये भरभरा कर गिर रही है। और अब इस बार चुनाव में जी प्रदीप जी विचारों के का अभाव है, नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं और इसी वजह से नेता हताश हो रहे हैं कांग्रेस से कि वो यहाँ पर अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। प्रदीप जी क्या बात है, कांग्रेस लगातार कमजोर तो थी, अब दुर्बल लगने लगी है। जी चिंतामन मालवीय जी ने कहा कि आरक्षण, कास्ट सेंसस और ओबीसी वर्ग का जो मामला राहुल गांधी जी उठा रहा है, ये सड़े सड़ा मुद्दे हैं। मैं आपके माध्यम से चिंतामन मालवीय जी को कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान में आप विधायक हैं तो आरक्षण के कारण ही विधायक हैं। अगर सीट रिजर्व नहीं होती तो आप कभी विधायक नहीं बन पाते। जिस चीज के कारण आज आप विधायक बने, आप उस चीज को सड़ा सड़ा मुद्दा कह रहे हैं, तो आप इनके मानसिक दिवालियेपन को समझ सकती है। और कास्ट सेंसस की जहां तक बात है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चिंतामन मालवीय जी को कास्ट सेंसस की कोई जानकारी है ही नहीं। जो मोदी जी ने कह दिया उसको रटा रटाया बोल रहे हैं। ये कास्ट सेंसस इसीलिए जरूरी है कि देश में कितने लोग किस जाति के हैं, उन लोगों को कितना लाभ मिला है और किस प्रकार से देश का बजट मिलना और आवंटित होना चाहिए, इसलिए कास्ट सेंसस होनी चाहिए। ये देश की मांग है। राहुल गांधी जी किसी जाति विशेष वर्ग के लिए थोड़ी कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों के लिए कास्ट सेंसस होनी चाहिए और जरूरी है। आज इस देश में 1,40,00,000,000 की आबादी है और किस समाज की कितनी आबादी और किस समाज ने इस देश में प्रगति की है, इसका खुलासा हो जाए, इसमें बुराई की क्या बात है। और ये बात जब राहुल गांधी जी भागीदारी की बात करते हैं तो मोदी जी झटपटा जाते हैं और ये कहते हैं इस देश का प्रधानमंत्री बड़ा दुर्भाग्य है। ये कहता है कि उसका मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, माँ बहनों के मंगल सूत्रों की जांच करी जाएगी। शर्म नहीं आती मोदी जी को, इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति मुसलमान इस देश का नागरिक है और मुसलमानों के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। बड़ा ही दुख होता है कि इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है। ठीक है प्रदीप जी, मैं समझना चाहूंगी कि शंकर लालवानी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अब इस खानापूर्ति को, इस बड़े झटके को बल्कि कांग्रेस किस तरह से भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो लोग जिन्होंने अक्षय कांति बम को टिकट देने की सिफारिश की थी उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जीतू पटवारी जी और जिन लोगों ने कांति बम को टिकट देने में मदद करी है, निश्चित रूप से पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की घटना भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में की है, सूरत में की है और देश के कई हिस्सों में अपने अवैध पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कर रहे हैं, इससे देश की जनता आहत है और देश की जनता देख रही है और वोट के रूप में इसका परिणाम आपको 4 जून को मिलेगा। 400 की कोई हवा नहीं है, मोदी जी की कोई हवा नहीं है और मोदी जी इस देश में विकास की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मटन, मछली, मुसलमान, मंगल सूत्र, शर्म नहीं आती मोदी जी को? 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, आप अपने विकास की बात करिए कि मैंने देश को क्या दिया है, लेकिन आप चुनाव को कुछ सांप्रदायिकता के रंग में रंग रहे हैं जो कि आपको जी। चिंतामणि जी जवाब देना चाह रहे हैं प्रदीप अहिरवार जी के आरोपों का, लेकिन चिंतामणि जी इस बीच मेरा सवाल भी आपसे, आखिर ऐसा क्यों बीजेपी के खेमे में किया जा रहा है कि जो भी कांग्रेस से आ जाए उसका बहुत बाहें खोलकर स्वागत है, चाहे वो पर्चे नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन ही कोई उम्मीदवार ही क्यों ना आ जाए? क्या आपके उम्मीदवार की जीत पर कोई शक था कि आपने विपक्ष को खत्म करने जैसा जो है उस कदम का स्वागत कर लिया? देखिए सबसे पहली बात तो मैं प्रदीप जी के बात का जवाब देना चाहूंगा कि आरक्षण जो है कांग्रेस ने खत्म करने की कोशिश की, ओबीसी का आरक्षण जो है इसमें मुसलमानों को लेकर के, और अब शेख सैयद मुगल पठान जो अब तक ओबीसी से बाहर थे उनको भी लेने की बात कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस उनको दोहरा लाभ दे रही है, तो आरक्षण भी और यही जो अभी
एक कमीशन इन्होंने बनाया था और कमीशन में उन्होंने रंगनाथ मिश्र कमीशन और उसमें कांग्रेस ने पास किया था और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मुसलमानों को भी मिले इसका प्रावधान था। उस पर क्या बोलेंगे ये आरक्षण की बात अगर कांग्रेस ना करे तो वही सही है। और कांग्रेस खुद स्वयं नेहरू जी का पत्र पढ़ लीजिए और उस समय की संविधान सभा की बहस पढ़ लीजिए कि आरक्षण का किस प्रकार विरोध किया गया था। तो ये बाबा साहब की कृपा है, इसको कांग्रेस की कृपा ना कहा जाए। अहिवार जी आप मेरी बात से सहमत होंगे। दूसरी बात ये जो नेहा जी ने कहा है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि आप ले रहे हैं, देखिए कांग्रेस एक स्वाभाविक मृत्यु की ओर बढ़ रही है, एक डाइंग पार्टी है और डाइंग पार्टी में जो अच्छे लोग हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर आते तो हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी है लेकिन किसी भी प्रकार का दबाव प्रभाव या कोई इस तरह का आया हो ये बात गलत है। अभी हमारे इतवार जी कह रहे थे कि कंपनियों से पैसा लिया और जो है ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो गई है। मैं आऊंगी प्रदीप जी आपके पास, जी बात पूरी करें, चिंता मत लीजिए। 2000 कंपनियां हैं और 2000 कंपनियों में से केवल 26 पर छापे पड़े थे। तो क्या इंदौर में हाथ से सियासत फिसल चुकी है और क्या मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो बहुत ही बड़े संकट में है? क्या विधानसभा चुनाव की हार के बावजूद कांग्रेस ने अपने संगठन की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश नहीं की और इसी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में इंदौर के उम्मीदवार के रूप में उसे भुगतना पड़ रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंदौर में ये जो कुछ हुआ है। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय बीजेपी की तरफ से, उज्जैन से विधायक भी हैं और प्रदीप अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने दो दौर की बात कर ली है लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि इंदौर में ये जो कुछ हुआ है इस पर आपकी क्या समीक्षा, आपका क्या आकलन है? इसे सूरत से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, चंडीगढ़ से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, खजुराहो से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है और आप इंडिया गठबंधन के लिए किस तरह से देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश को देखा जाए तो? धन्यवाद नया जी। जो इंदौर की घटना हुई है और इसके पहले सूरत, खजुराहो, फिर सबसे पहले चंडीगढ़, तो मैं समझता हूँ कि जो घटनाएं है उसको वो बहुत टेक्निकल नहीं है। देखने में भले ही टेक्निकल लगती है लेकिन मेरी समझ है कि ये बीजेपी इस देश में एक मरा हुआ और डरा हुआ लोकतंत्र चाहती है जिसमें वो दिखने में तो लोकतंत्र हो लेकिन उसमें कोई जान नहीं हो। अब बताइए, देखिए कोई कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जा सकता है, इसके कोई यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन और जब नाम वापसी का अंतिम के समय अंतिम दिन आप अपना नाम वापस ले लेते हैं ताकि आप अपनी पार्टी को जिस पार्टी की ओर से आपने नॉमिनेशन किया है उसको कोई मौका रहे कि नहीं हो चुनाव लड़ने का। सूरत की जो घटना हुई थी, सूरत में तो सूरत में बीजेपी की ओर से रिटर्निंग अफसर को जो शिकायत की गई उस शिकायत से पहले शपथ पत्र तैयार हो गया था। लोगों ने शिकायत की कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है प्रस्तावक के तौर पर, तो वहां तो पूरी तरह से बीजेपी की चोरी पकड़ी गई थी। और चंडीगढ़ में तो पूरी दुनिया ने देखा कि जो वहां प्रिजाइडिंग अफसर था कैसे मतपत्रों को रन कर रहा पर ये कलम से निशान लगा लगा करके, और सुप्रीम कोर्ट को उसमें सेव करना पड़ा और उसमें बीजेपी के किसी भी शीर्ष नेता ने, इवन प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ नहीं कहा ऐसे मसलों पर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक डरा हुआ और मरा हुआ लोकतंत्र चाहती है। वो ऐसे ही ये चुनाव कोई लुका छिपी का खेल थोड़े ही होता है कि आप ऐसा, और चिंतामणि जी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि चुनाव में ऐसा ऐसा होता ही है लेकिन ये तो इस देश में अनहोनी ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इस तरह से ये धोखा है। और इस तरह आप किसी के साथ आगे जा रहे हैं, आप किसी के पीठ में खंजर घोंप दीजिए और कहीं चुनाव में तो ऐसा होता ही है कि आप किसी का मर्डर करवा दिया जाए, कहा जाए कि चुनाव में ऐसा होता ही है। ये लोकतंत्र का मर्डर है ये एक तरह से। ये पूरा खजुराहो में जिस तरह से सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया उसमें कहा गया कि उनके हस्ताक्षर नहीं थे, ये रिटर्निंग अफसर की जवाबदेही होती है कि जब कोई शपथ पत्र दाखिल करता है तो पूरा है कि नहीं। देखिए उसमें कोई गलत सूचना दी गई हो तब रद्द करना माना जाएगा कि प्रत्याशी की गलती है लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो ये डिटेक्ट करना उस समय क्योंकि उसको जाता है। एक साजिश का खेल है जो चंडीगढ़ से शुरू हुआ था और यहां तक आया है।
जब आपको लगता है कि आप 400 पार जा रहे हैं तो ये तमाशे करने की क्या जरूरत है? ये 400 पार के लिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी तो आश्वस्त है कि वो तीसरी बार सत्ता में आ रही है, ये 400 पार के लिए ज्यादा दिख रहा है या फिर दो चरणों के मतदान के बाद ये शक लग रहा है कि शायद उतनी बड़ी जीत ना हासिल हो सके इसलिए ये कवायद? देखिए 400 पार 500 पार भी हो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधान और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार ही नहीं पांचवी बार चौथी बार प्रधानमंत्री बन जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये इस देश के लोकतंत्र किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इसको नहीं माना जा सकता है। इस तरह का खेल अगर आप करेंगे तो इससे क्या मतलब हुआ? आप उस जनता का ख्याल कीजिए जो 17-18 लाख जनता एक संसदीय क्षेत्र में होती है, जो अपना मताधिकार अपने मताधिकार के जरिए तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन संसद पहुंचेगा कौन संसद नहीं जाएगा, उसको तो आपने इसमें भाग लेने से ही रोक दिया। तो ये किस तरह का लोकतंत्र के पक्ष में आप काम कर रहे हैं और इसको आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा चलता है, ऐसा तो कभी नहीं देखा गया था कि ऐसा चलता है। टेक्निकल ग्राउंड पर किसी का खारिज हुआ अलग बात है, लेकिन उसके लिए जो पूरा जो जिस तरह का खेल किया जा रहा है वो टेक्निकल नहीं है, वो पूरी तरह से वो साजिश है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सूरत से लेकर के खजुराहो इंदौर और उसके पहले चंडीगढ़ के बारे में बीजेपी का कोई नेता उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था उसके उसी दौरान इन लोगों ने वहां पाला बदलवाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी चुनाव को जायज ठहराया और जो मत पत्र रद्द किए गए थे उसको सही किया, तब जाकर के वहां पर जो बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे वो निर्वाचित घोषित किए गए। लेकिन इन लोगों ने खेल किया था जी, वो अपने पाले में ले लिया था ताकि वो बहुमत उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका खेल खराब कर दिया था वहां पर। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इस देश में एक मरा हुआ और डरा हुआ के पास चिंतामणि जी समझना चाहूंगी कि इंदौर वो शहर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, यहाँ पर लाखों मतदाता है और यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के कद्दावर नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया और विधानसभा की जीत के बाद से लगातार बीजेपी के खेमे में कांग्रेस के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इतना बाहें खोलकर स्वागत करना, मोहन यादव जी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय एक्स पर पोस्ट डाल रहे हैं और इसके जरिए पता चल रहा है, इसकी जरूरत क्या है बीजेपी को? बीजेपी तो आश्वस्त है कि वो 400 पार इस बार लेकर आ रही है, फिर इतना बड़ा दाग आप अपनी सियासी पार्टी पर क्यों लगने दे रहे हैं? ये सबसे पहली बात तो ये कि प्रश्न पार्टी पर है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, अमन जी को भी बताना चाहूंगा कि विपक्ष मजबूत रहे या विपक्षी पार्टियां सांगठनिक रहे या वो अच्छा काम करे, ये जिम्मेदारी कम से कम विपक्ष की तो नहीं होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस अच्छी मजबूत पार्टी रहे, कांग्रेस संघर्ष करे, कांग्रेस ये करे, ये कांग्रेस को ही करना है। तो ये जिम्मेदारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को इतनी बीमारियां हैं कि अगर वो दूध भी पी लेती है तो उसका नुकसान ही उसको होना है। अगर वो घी भी खा ले, जब बहुत सारी बीमारियां शरीर को घेर लेती है तो फिर कुछ भी करने से उसका नुकसान ही होता है। यही स्थिति आज कांग्रेस की बन गई है, उसका स्ट्रक्चरल जो ढांचा है वो एकदम बिगड़ चुका है, खत्म हो चुका है। कोई नई एंट्री कांग्रेस के नहीं पास नहीं है, नया विचार कांग्रेस के पास नहीं है, नई रीति नीति कांग्रेस के पास नहीं है, नए सिद्धांत नया कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जो थोड़े विचारवान लोग हैं या जो कुछ करना चाहते हैं उनको कांग्रेस में अपना भविष्य वो अंधेरे के जाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये है कि जो परिस्थितियां बन रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां को जो आरोप लगा रहे हैं कि सारी सबको खत्म कर रहे हैं, सबको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, वो अपने आप को मजबूत करें, मुद्दों पर बात करें, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सारी विपक्षी पार्टियां एक जैसा विचार करती है, वो केवल तुष्टिकरण पर चल रही है, वो केवल परिवारवाद पर चल रही है, वो केवल भ्रष्टाचारी जो उनका अभी तक कृत्य है उनको भी बचाने के लिए चल रही है, और या फिर इस तरह के मुद्दे जिनका कोई बेसिर पैर नहीं है। कांग्रेस का दिवालियापन देखिए नेहा जी, कि वो एक की कांग्रेस 3 सीटों पर वहां कश्मीर में लड़ती है और धारा 370 रीस्टेट करने की बात कर रही है। अरे भैया तुमको एक सीट मिलती नहीं, तुम अपने घोषणा पत्र में काय को डाल रहे हैं?
तो ऐसी बहुत सारी चीज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाली है और ऐसा लगता है कि देश को बर्बाद करने का तय कर लिया। देश का जो मजबूत केंद्र है उस मजबूत केंद्र को हटाने के आप और केवल न केवल कांग्रेस बल्कि इनके सहयोगी दल है एनडी गठबंधन की उनको अगर देखेंगे तो आप देखेंगे वो धारा 356 हटाना चाह रहे हैं संविधान अनुच्छेद में से अनुच्छेद 356 हटाना चाह रहे हैं, राज्यपाल का पद हटाना चाह रहे हैं, नीट खत्म कर देना चाह रहे हैं और एक जो है तो ऐसे आप देखे ना कि ये किस तरह देश को ले जा रहे हैं। ठीक है, देश तो चलिए अलग बात है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किस तरफ ले के जा रहे हैं जीतू पटवारी। प्रदीप जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ था प्रदेश में तो बड़ी आशाएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखी गई थी कि अब जो एक पुराना नेतृत्व है एक नए नेतृत्व से बदलाव आएगा, लेकिन ये बदलाव तो नहीं बल्कि संकट और बढ़ चुका है। प्रदीप जी क्या जवाब है, क्या अब ये भरपाई पार्टी कर पाएगी जो प्रदेश के जी बाकी बचे सीट है वहां पे स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आपको बता दूं, आदरणीय जीतू पटवारी जी बने हैं, मध्य प्रदेश में बड़ा जोश उमंग और उत्साह है। रही बात तो इंदौर के कार्य, इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी ने कृत्य किया है ये पूरा देश जान रहा है। हमारे पत्रकार साथी ने कहा भी है कि जब आप 400 सीट को लेकर आश्वस्त हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं मोदी जी और इनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता, तो आप इंदौर में चुनाव होने देते, परिणाम जो भी होता जनता भले आपके पक्ष में वोट करती। मैं चिंतामणि जी की तरफ जो उन्होंने बात रखी है प्रदीप जी, मैं उस सवाल का जवाब समझना चाहती हूं कि विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी के ऊपर है, फिर आपकी पार्टी इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 8 से 9 सीटें जीत रही है और पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई है और आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम होंगे। और 4 जून को, मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि 4 जून को जो परिणाम मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देगी और बड़े संतोषजनक रहेंगे, बड़े उत्साहवर्धक रहेंगे और कहीं कोई विचारधारा की कमी नहीं है, कहीं कोई नेतृत्व की कमी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जिस विश्वास के साथ मोदी जी को इस देश की जनता ने चुना था उस विश्वास पर मोदी जी खरे नहीं उतरे हैं। हर तरह झूठ, हर तरीके से धोखा, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जितने भी देश के बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई की जांच बिठाई थी, आज वो कहाँ है चिंतामन जी? आज वो आपकी पार्टी में है, कोई मुख्यमंत्री है तो कोई केंद्र में मंत्री है, कोई सांसद है, कोई राज्यसभा सांसद है। आप लोगों ने ऐसे आरोप लगाकर, ईडी सीबीआई के आरोप लगाकर उनके ऊपर केस फाइल करके सब लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें, उस पर कार्रवाई की बातें अच्छी नहीं लगती। मोदी जी कहते थे महाराष्ट्र में जाके नेचुरल करप्ट पार्टी अजीत पवार को और उनकी पत्नी को उन्होंने अपनी सरकार शामिल किया, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो लोग शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी असम के जो मुख्यमंत्री आज भाजपा में है, सबसे बड़े गंभीर आरोप अमित शाह लगाते थे वो आज आपकी पार्टी में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आपकी दाल इस देश में गलने वाली नहीं है और देश की जनता समझ रही है, देश का युवा समझ रहा है। इस देश में अगर परिवर्तन और विकास कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और इसके परिणाम भी हम 4 जून को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 13 मई को इंदौर में वोटिंग होनी है। आखिरी सवाल हेमंत जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की सियासत को क्या देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त मध्य प्रदेश, क्योंकि जिस प्रदेश के लिए राहुल गांधी बड़े आश्वस्त थे वहां पर विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी करारी हार और उसके बाद अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं ये भी कोई बड़ा कम संकट नहीं है। 29 सीटें, लेकिन प्रदीप अहिरवार खुद कह रहे हैं कि 8 से 9 सीटें आएंगी। हेमंत जी, मध्य प्रदेश की बात, हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ जी। नेहा जी, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप जो जो चुनाव है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में को लेकर के ये सवाल है कि आखिर का जो अभी चिंतामणि जो जो कह रहे थे कि कांग्रेस बीमार है और कांग्रेस को दूध भी अगर दिया जाता तो पछता नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीमार तो वहां पर बीजेपी के लोग और वो श्रीमान जो ये जो जिन्होंने नॉमिनेशन अपना वापस लिया वो दिख रहे हैं जी। भाई आपको अगर है, कांग्रेस के ऐसा बम है जो कांग्रेस को, कांग्रेस की उम्मीदवारी नहीं लेनी थी तो नहीं लेनी थी तो आप पहले पहले छोड़ देते, आप कहते कि मैं नहीं लड़ूंगा, आप ये चुनाव नहीं लड़ना है मुझे
आपने तो धोखा दिया है और इस धोखे को कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन इसके जरिए आप कांग्रेस को ब्लेम करने के करके और आप अपने गुनाह नहीं छुपा सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, ये इस देश के जनता के साथ चीटिंग है, ये जो जनता 5 सालों तक इंतजार करती है कि जो हमको वोट करने का मौका मिलेगा और हम अपने वोट के जरिए सांसद और MP चुनेंगे, सरकार बदलेंगे, सरकार बनाएंगे या सरकार कंटिन्यू रखेंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया जी, जो सूरत कांड है वो मॉडल है, जो चंडीगढ़ है वो मॉडल है, और जो इंदौर है और जो खजुराहो है, ये सब सारे के सारे BJP के मॉडल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरह से और इसको जब मैंने कहा ना कि ये मरा हुआ और डरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, एक नागरिक होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर विषय है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मामले में साबित किया उस समय जी इसको लेकर के गलती नहीं मानी, बल्कि सब लोगों ने इसको इसको बचाने की कोशिश की, और यही वजह है कि साथ तमाम जगहों पर आप प्रशासनिक लोग अधिकारियों का इस्तेमाल करके इस तरह के कांड कर रहे हैं। खजुराहो में भी ये साबित हुआ, सूरत में तो मैंने कहा पहले कि वहां पर इन्होंने जो लोग पहले इन्होंने शिकायत करते हैं बाद में और शपथ पत्र पहले बन जाता है उन 4 प्रस्तावकों का जो कह रहे हैं कि हमारा हस्ताक्षर नहीं है, तो ये कैसा कैसी साजिश है, कैसी मिलीभगत है अधिकारियों के साथ और BJP के नेताओं के साथ। शिकायत जाती है बाद में, शपथ पत्र पहले 10 बजे तैयार हो जाता है, शिकायत जाता है 11 बजे, शपथ पत्र पहले तैयार होता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये पूरे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, इसको किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे पैसे वाली पार्टी, उसको क्या अनपढ़ी है कि इस तरह का खेल करें आप कि किसी व्यक्ति को आप नॉमिनेशन उसका विड्रॉल के दिन वो अपना नाम वापस ले ले, आपकी पार्टी में चला जाए और ऊपर से नीचे तक तमाम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपने क्या जीत लिया। ये तो एक शर्मनाक हरकत है, मुझे मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस देश की कांग्रेस को छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी को छोड़ दीजिए, एक नागरिक होने के नाते चाहे इस देश का कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब ऐसी घटनाएं होती है। और ये बिल्कुल चिंतामणि जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी, चिंतामणि जी मैं समझना चाहूंगी कि वो हो रहा है जी 13 मई को मतदान है, उससे पहले ही शंकर लालवानी के रास्ते इतने आसान बना दिए गए हैं। चिंतामणि जी, जब विपक्ष का उम्मीदवार ही यहाँ पर जो मजबूत उम्मीदवार कह सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में अगर विपक्ष है तो वो कांग्रेस है, उसका उम्मीदवार ही नहीं, तो फिर इस चुनाव का क्या औचित्य रह जाता है? आपने सूरत में देखा कि एक एक करके 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया, एक ही दिन में ये घटनाक्रम हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे इसलिए जोड़ा जा रहा है। चिंतामणि जी, शंकर लालवानी क्या इतने कमजोर उम्मीदवार थे कि इस तरह की सियासी घटनाक्रम, कुछ खबरें इस तरह की भी आई है कि होटल में ये पूरा प्लॉट बिछाया गया? देखिए, मैं जब हम सैद्धांतिक बात करेंगे तो निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से यही सही है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए और प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, वैचारिक आधार पर किसी पार्टी में रहना चाहिए। और यदि तो मैं इसको नैतिक आधार पर ठीक नहीं कहता, लेकिन राजनीति में आप कोई आ रहा है तो हम उसे मना तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कांग्रेस की पार्टी का विषय है और नैतिकता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, BRS के नेता KCR आना चाहते थे, ये स्वयं प्रधानमंत्री का बयान है कि वो कह रहे हैं कि वो आना चाहते थे लेकिन हमने नहीं ये चाहा क्योंकि हम भ्रष्टाचारी का साथ नहीं चाहते हैं। तो अब कोई भी आ जाएगा तो पार्टी में स्वागत नया जी। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि चिंतामणि जी के साथ कि आप कह रहे हैं कि ये अनैतिक है, नीतिगत रूप से नैतिक रूप से इसको सही नहीं मानते हैं, तो सवाल उठता है कि इतने अनैतिक व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं? उन्होंने अगर कांग्रेस उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया तो उनका आपने उनका स्वागत क्यों किया? आपने अपनी पार्टी में तो आप खुद कह रहे हैं अनैतिक जी, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल उसी दिन ना जाकर किसी और के नाम छीन लेते। चिंतामणि जी जवाब देना चाहते जी। हेमंत जी दो विषयों को जोड़ रहे हैं, हेमंत जी दो विषयों को जोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने एक सामान्य पक्ष की बात करी कि यह नैतिक रूप से गलत है कि आप जिस पार्टी में, लेकिन हम तो स्वागत करेंगे क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी है, हमारे साथ कोई आएगा
तो हम तो स्वागत करेंगे। ये तो जी, जो चंडीगढ़ में हुआ था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, चिंतामणि जी को बोल लेने दीजिए। प्रदीप जी आखिरी लाइन आपके, आपका जरूर हम लेंगे। चिंतामणि जी बात पूरी कर ले जी। कांग्रेस के विषय को लेकर के, कांग्रेस के सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछ सकते कि भाई आपने क्या कार्यकर्ता का परीक्षण किया, क्या क्या उसको आपने प्रशिक्षण दिया, क्या आपने विचारधारा उसको गढ़ी, कैसे उसने आपने किस विचारधारा को, किस नैतिकता को देखकर उम्मीदवारों का चयन हुआ, सवाल थोड़ा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी आखिरी क्या आप जोड़ना चाहेंगे? आपकी बार बार की चूक क्यों हो रही है? नीलेश कुंभानी चले जाते हैं सूरत से, वो गायब हो जाते हैं, फिर इस तरह का कांड आपका इंदौर में हो गया, अक्षय बम जो है वो खुद साबित होते हैं। हमारे सम्मानीय विधायक जी कह रहे हैं कि नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, तब इनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? कि किस तरीके से पीटासीन अधिकारी को मैनेज करके और पूरा चुनाव प्रभावित कर लेते हैं अपने पक्ष में, तब इनकी नैतिकता कहाँ आ जाती है? जी। मेरा आपसे ये कहना है कि भले अक्षय बम ने आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया हो, इस देश के मतदाता बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही सजग हैं और पूरी घटनाक्रम को देख रहे हो, चाहे चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे सूरत का मामला हो, चाहे खजुराहो का मामला हो। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज आपका भी वोट का अधिकार खतरे में है कि किस व्यक्ति को आप वोट देते हो और भाजपा किस तरीके से वहां की सरकार गिरा देती है, विधायक सांसद खरीद देती है। जी। इनके पास जो पैसा आया है ये सबको पता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा है और पूरे देश में किस तरीके से इन लोगों ने हंगामा मचा के रखा है कि आप काम ले जाओ और पैसा दे जाओ। आपने अगर भ्रष्टाचार किया है, नहीं किया है, हम आपके ईडी और सीडी की रेप डरवा देंगे और आप हमें पैसा दे दो, चंदा दे दो, हम आपका केस बंद करा देंगे। और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को अपने पक्ष में इन्होंने बुलाया, इस पूरा देश देख रहा है और जी, समय समाप्त हो गया प्रदीप जी। जी जी बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हेमंत जी आपका भी, चिंतामणि आपका भी और प्रदीप जी आपका भी, कि आप सभी स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको स्ट्रेट टॉक कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात रखनी हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे सीधे सीधे ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।